अयोध्या जैसे बड़े मामले पर फैसला सुनाने के कुछ ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाने वाला है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला विवाद और राफेल विमान सौदे पर अपना निर्णय सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। इन दोनों बड़े फैसलों के अलावा सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अवमानना के मामले पर भी फैसला सुनाएगा। बता दें कि 17 नवंबर को CJI रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले वह बड़े मामलों पर फैसला सुना रहे हैं। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का विवाद काफी समय से चल रहा है। पिछले साल सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 10 से 50 साल की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने पर लगी पाबंदी को हटा दिया था। ऐसी के इस फैसले के बाद काफी प्रदर्शन हुआ था और बाद में इस पर पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में अपना फैसला सुनाएगा। सबरीमाला में रिव्यू पेटिशन के कुल 64 मामले थे। लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल विमान सौदे का मामला काफी बड़ा हो गया था। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में 2 जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा लड़ाकू विमान की कीमत, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत इस मामले में दखल नहीं दे सकती है, साथ ही खरीद प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़े नहीं किए गए थे। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि राफेल विमान सौदे पर भारत और फ्रांस अब आगे बढ़ चुके हैं। भारत को पहला राफेल विमान भी मिल गया है, हालांकि अब केस पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाएगा। ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बयानों को राजनीति से जोड़ दिया। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से माफीनामा भी दायर किया गया था, लेकिन अदालत की ओर से कोई राहत नहीं मिली थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले उनकी बेंच के सामने कई बड़े फैसले बचे हुए हैं जिन पर फैसला आने की उम्मीद है। इनमें से अयोध्या केस पर फैसला आ गया है, राफेल सबरीमाला विवाद पर गुरुवार को फैसला आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।